बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज अस्माउल हुस्ना सीरीज़ में हम जो हरफ लिखने वाले हैं वो है अलमानियों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ हमारा 1 2 3 4 सेवन्थ बॉक्स तक आएगा। नीचे से 4 बॉक्सेस छोड़ते हुए हमने इधर एक अलिफ लिख देना है। अलिफ लिखने के बाद हमने लाम और मीम लिखना है। ये लाम और मीम हम बहुत बार लिख चुके हैं, इसलिए ये सब ये वाला लाम और मीम आपको लिखना बहुत इजी लगेगा। ठीक है, ये हमने मीम लिख दिया। अब थोड़ा सा नेक्स्ट से हल्का सा चेंज है, वो इस तरीके से कि हमने मीम को पहले तो नीचे से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने मीम को थोड़ा सा ऊपर से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये अक्सर औकात हम तब करते हैं काम जब हमने जगह को यूज़ करना है और जगह को अच्छे तरीके से जो है कवर करना है। उसके लिए फिर हम ये थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह बना लेते हैं। अच्छा, ये अलिफ हमारा आ गया और ये हमने बंद कर दिया। अब इधर हम नून का एक नुक्ता लगाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लिखना। और इधर से 1 2 3 बॉक्सेस, इधर से 2 बॉक्सेस हम आगे लेकर जाएंगे। यहाँ पर हम हरफ आइन बनाएंगे 7 8 और 9 बॉक्स पे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमने नीचे से इसको कहाँ से कनेक्ट करना है। ठीक है, इसलिए कुछ हरूफ हम पहले लिख लेते हैं, कुछ हरूफ हम बाद में लिखते हैं, इसलिए कि हमें कनेक्शन समझ में आ जाए। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि हमने कितना आगे जाना है। अब जितनी बाकी जगह रह गई है वहाँ पर हम आइन को ही लेकर जाएंगे। और इस तरीके से ये हमारा हरफ मुकम्मल हो जाएगा। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे, जिसे हमें अंदाज़ा हो जाएगा ये हरफ किस तरीके से लिखा गया है।